वालेकुम नासिर आवाज न्यूज़ तक आया हुआ है संजय सही है आया हुआ है आप इशारत सुमरो अलंदासी हेडलाइंस तक मुल्क में कोरोना वायरस जहाँ माँ मथा हमला जारी कोरोना वायरस बाईतरी जणन का हयातियों खसे वरतियों एनसीओसी मूजिब गुजर 24 कलाक दौरान कोरोना जहाँ 1,163 नवा केस जाहिर मुतासर जो अंग वी 582,828 तक पहुंचो चाहूँ था तो सैनेट चूनियन में वोट विक्रो न थन सैनेट चूनियन में पीटीआई कामयाब थी पाकिस्तान के खुशहाल बनाने लाय कोशिशों कर रहा हूँ हुकूमती अखबारों जो मीडिया से गाल हफीज शेख चवाद एमकेएम समेत समूरी जमायतू गदाहन सैनेट चूनियन में पीटीआई सोभारी थी अमीनुल हक चवाद सैनेट चूनियन बाबत राबता कमेटी गड़ियल फैसलो की एमकेएम पाकिस्तान हुकूमत से गदा है फहमीदा मिर्जा चवाद जीडीए हुकूमत की इतिहादी जमायत है सैनेट चूंडन के हवाले से सियासी जमायतों की मुलाकातों और राबता तेज थी वह पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत हेठ पार्टी अगुवाणन जो अहम इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी का चवण है तो सैनेट इलेक्शन असा सभी लाए तमाम अहम मौको है नंढी चूंड जहाँ नतीजा तमाम सुठा हुआ सैनेट चूंडन का अग तहरीक इंसाफ के सिंध में वो धचको पीटीआई के बिन एमपीएस पार्टी के उम्मीदवार के वोट न दियण जो ऐलान कर छो पीटीआई एमपीए करीम बख्श गबोल चवण है तो पार्टी पैसों से टिकटू डिन वो पीटीआई के सैनेट उम्मीदवार के वोट न दी पीटीआई सिंध से माटे की माँ वो सलूक कर रही है शहरियार शर चवा है असा के न कें अगवा किया है न ही कें दबाव है खुरम शेर जमान जो अगवा वो बयान गलत है सैनेट जो टिकटू गवर्नर हाउस बंद कमरे में विहाय हुई तहरीक इंसाफ के टिन एमपीएस के अगवा कह वो है पीटीए अगवान खुरम शेर जमा जो इल्ज़ाम खुरम शेर जमा जो चवण है असान के टिन एमपीएस के अगवा कह वो है एमपीएस की गुमशुदगी बाबत समूरन इदार के इतला दिनों वो है लगे तो एमपीएस के अगवा में पीपी वारन जो हथ है करीम बख्श गबोल का जबरदस्ती बयान दियारे वो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आजिया क्यों था